रामविलास पासवान जो थे ना, उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बीपीएससी निकाले हुए थे। इतने समय में वो जिधर जाते थे उधर सरकार बना के रखते थे। रेलवे डिवीजन बनाने के लिए रेल मंत्रालय से लड़ गए थे। इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि रामविलास पासवान के बारे में क्या चीज। हाजीपुर के रामविलास पासवान जो थे ना, उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बीपीएससी निकाले हुए थे, डीएसपी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो साधारण की तरह रहते थे, एकदम आराम, एकदम साधारण व्यक्ति की तरह। गांव में ऐसा लगता था, अंडर एस्टिमेट मत कर दीजिएगा, बीपीएससी पढ़े लिखे नेताओं में बहुत पढ़े लिखे थे, वहां पर पीसीएस अधिकारी थे। और उनकी, अब तो वो नहीं रहे, वरना उन्होंने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया। हाजीपुर में कुछ नहीं था। रेलवे डिवीजन बनाने के लिए रेल मंत्रालय से लड़ गए थे, पूर्वोत्तर रेलवे का हेड ऑफिस बनाने के लिए, रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि भाप जाते थे किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं बनने वाली। इसलिए उनको ना राजनीति की भाषा में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। और वो जिस पार्टी में गए वोट डालने वाला समझ जाता था कि अभी नहीं की सरकार बनने वाली है। इसलिए नेताओं में एक अलग होड़ रहती थी कि रामविलास पासवान को अपनी ओर खींच लो, क्योंकि इनको अपनी ओर खींचने का मतलब शुभ संकेत मिल जाता था। तो अपने समय में वो जिधर जाते थे उधर सरकार बना के रखते थे। पढ़े लिखे इंसान की ये विशेषता होती, समझ में आ गया कि नहीं? पढ़े लिखे थे, ऐसे तो थोड़ी बीपीएससी निकल जाएगा, वो भी उस समय, और गाँव के एरिया में 1975 के दशक में, समझ में आ गया? कोरोना के बीच में अचानक उनकी मृत्यु हो गई, बाद में तो उनकी पार्टी में ही मतभेद हो गया, समझ आ गया कि नहीं? गया, उनके चाचा जी ने पार्टी का अलग हट दिया, उनके पुत्र चिराग पासवान जी, उन्होंने बना दिया लोक जनशक्ति रामविलास। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, बेटा है उनके, हाँ, जमुई से सांसद है। आगे बढ़े, हाँ सर, आप चिराग पासवान? हाँ जी, मिले, हम सबसे मिले हुए हैं। हाँ, अरे एक बार हम लोग किसी जन्मदिन के पार्टी में मिले थे, नेत अखबार वाला कुछ छाप देता है सर।